न चोटी न पोथी न धोती न जनोई, तो ऐसे निर्विकारी ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही भागने लगे। कई आचार्यों ने अर्थ बताया कि ये प्रकट होते ही भागे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैराग्य था इसलिए भागे। पर श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि ये प्रकट होते ही भागे क्यों, इसका कारण श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में बताया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भय था। अब आप सोचेंगे सुखदेव जी के अंदर भय, तो कि हां, कैसा भय? तो कि संग का भय, संग के भय के चलते वह प्रकट होते भागने लगे। अरे कहीं मैं आश्रम में ज्यादा देर रुक गया, पिताजी के आश्रम में, तो मुझे माता का संग होगा, पिता का संग होगा, जो ऋषि मुनि जो दूसरे ऋषि कुमार बैठे हुए उनका संग होगा, तो संग के चलते, संग होगा तो आसक्ति होगी, ममत्व बंधन होगा। साधारण जीव किसी से कहीं भी कैसे भी संग कर लेता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वह संग से डरते हैं, कहीं कैसे भी संग नहीं करते। हम सब जानते हैं जैसा संग ऐसा रंग, हम बोलते ही हैं, फिर भी जीव जहां तहां जैसे तैसे संग बांध लेता है। हमारे भगवदियों ने इसलिए कहा, त्यज मन हरि विमुखन को संग जाके, संगते कुमति उपजे पड़े भजन में भंग। त्यज मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुख अवैष्णव जो हैं उनका संग मत करो। श्री हरिराय जी ने तो कही कि उन वैष्णवों से अवैष्णवों से बात भी मत करो, पर के बोले बिना चले नहीं, तो आवश्यक वार्तालाप केवल करो, अवैष्णवों का संग ज्यादा न करना, नहीं तो धीरे धीरे हमारे अंदर रहा हुआ भगवत भाव नष्ट हो जाएगा। तो ये सुखदेव जी को संग का भय सताया, इसलिए यह भागे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन यानी श्री व्यास जी, दो नदियों के बीच में जो भूमि का भाग जो है, द्वीप जिसको कहते हैं, तो यह व्यास जी यमुना के कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ, द्वीप में जन्मे, द्वीप में ही रहे, द्वीप में ही रह के साधना की, इसलिए द्वैपायन कहा है। विरह कातर आजुहाव, जब इन द्वैपायन इन व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा और पुत्र को देखकर विरह में कातर होकर विरहावस्था में पुकारने लगे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, हे पुत्र, पुत्रेति शब्द यहां पे रखा गया। वैसे संस्कृत भाषा का यह नियम है कि पुकारें संधि नहीं की जाती, यानी व्यास जी तो यहां पे अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, तो यहां पे पुत्रेति शब्द नहीं आना चाहिए, अपितु पुत्र इति, संधि विच्छेद होनी चाहिए, लेकिन शब्द आया पुत्रेति, जबकि पुकार रहे हैं फिर भी पुत्रेति शब्द रखा, संधि की गई है। श्री महाप्रभु जी ने इसकी व्याख्या की, इस पुत्रेति शब्द की, क्योंकि वो पुकारते समय उनका हृदय इतना विरह से भर गया, प्रेम भाव से भर गया, तो बड़ी तेज आवाज में पुकार भी नहीं लगे, बड़े धीरे धीरे से, हे पुत्र, हृदय भरा हुआ हो तो आवाज नहीं निकलती ना, तो ये हृदय उनका भरा हुआ विरह में, इसलिए यहां पे पुत्रेति शब्द रखा। बड़ी सुंदर श्री महाप्रभु जी ने इस शब्द की यहां पे इस श्लोक में व्याख्या की, और जहां उनके पीछे पीछे ये व्यास जी जाने लगे, सुखदेव जी तो आगे आगे, बड़ी प्रचलित कथा है, जब जा रहे थे उसी समय वहां पे सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देखकर किसी भी प्रकार का उनके मनोभाव न बदले, पर जहां व्यास जी को देखा उन अप्सराओं ने, उनको शर्म आने लगी, और व्यास जी कहने लगे, अरे मैं इतना 60-70 वर्ष का बूढ़ा, मेरे से तुम शर्माती हो, और ये 16 वर्ष का युवा तुम्हारे आगे से गया किशोर, उसको देख के तुमको लाज नहीं आई? व्यास जी क्षमा करना,
लेकिन ये किशोर, ये बूढ़ा, ये जवान, ये शिशु, ये बालक, ये पौगंड, इन सब अवस्थाओं का ज्ञान आपको है पर आपके पुत्र के अंदर नहीं है। मनुष्य की जो सात अवस्थाएं हैं, जो क्रमशः शिशु, बाल, पौगंड, किशोर, युवा, वृद्ध, ये जो अवस्थाएं बताई हैं, इन अवस्थाओं का ज्ञान आपको है लेकिन आपके पुत्र में कौन स्त्री, क्या भेद, ये उसके अंदर कोई भी भेद नहीं है। ऐसे निर्विकारी ऐसे श्री सुखदेव जी आगे आगे अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं और व्यास जी जब उनके पीछे पीछे, तो जो पत्र, जो वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, वह वृक्ष लता पता है तरबो विनेदु अणब अव्यक्ते शब्द। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप से वह वृक्ष की लता पताएं हिल हिल कर मानो व्यास जी को कह रही हैं, व्यास जी अब आप अपने पुत्र का मोह न करें, अब इनके पीछे आप न जाएं। जिस प्रकार से वृक्ष में लगे हुए फल का उपभोग समाज करता है, वृक्ष उसमें लगे हुए फल वो खुद उसको भोगता नहीं है, समाज को समर्पित कर देता है, उसी प्रकार से व्यास जी, यह सुखदेव जी जो फल स्वरूप हैं, आप समाज के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए इसको समर्पित कर दें। परोपकार की भावना वृक्षों के अंदर है, इसलिए तो श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वैष्णवा वही वनस्पतये, सबसे श्रेष्ठ जो वनस्पति, हाँ वैष्णव जो हो तो वो वनस्पति है, उससे श्रेष्ठ वैष्णव और कोई नहीं है। कई बातें हमको वृक्षों में से सीखने मिलती हैं, परोपकार की भावना, सहन करने की भावना, सेवा करने की भावना, धैर्य, ये सब वैष्णवों के आभूषण हैं। खाली कंठी, गले में माला, कंठी धारण करने से ही वैष्णव नहीं बनता है। कहूं ने वैष्णव नथी थयो तू हजी सिद्ध गुमान मा घूमे, हरिजन नथी थयो तू हजी, हाँ हजी वैष्णव नथी थयो, हजी वैष्णवता आवानी बाकी छे। तो ये वैष्णवता क्यारे कब आती है, ये सब आभूषण। मन रे वृक्षन को मत ले, मन रे मन रे वृक्षन को मत ले, मत ले मन रे क्रोध ना करे। वृक्ष को कोई काटता है तो वृक्ष कभी क्रोध नहीं करता, तितिक्षवः, सहनशीलता उसके अंदर है। यानी कोई हमारी निंदा स्तुति, हमें बुराइयां हमारी करे तो उसके अंदर, उसके प्रति कोई अन्यथा भाव ना आए,
कोई क्रोध ना हो। चलो कोई बात नहीं, मेरी निंदा स्तुति हो रही है तो मेरे अंदर रहे हुए अभिमान को भगवान नष्ट करना चाहते हैं, तो ये तो भगवान की कृपा है मेरे पे, तो उसको गुण रूप में ले। नीचे तापे इसने वृक्ष, जिसका सिंचन जो वृक्ष को सींचता है, वृक्ष केवल इसको ही स्नेह करे ऐसा नहीं है, सबको स्नेह करे। वैष्णव जो होता है उसके हृदय में सबके लिए स्नेह हो, परोपकार की भावना हो। जो कोई बाप पत्थर चलावे, जो कोई बाप पत्थर चलावे, चलावे ताही को फल दे। बड़ी सुंदर बात करी। वृक्ष कभी प्रतिकार नहीं करता, उल्टे उसके जो उसकी निंदा कोई करे तो ये वृक्ष उसका हित ही करता है। कोई वृक्ष पे पत्थर मारे तो वृक्ष क्या करता है, फल देता है। तो ये वैष्णव का लक्षण। तो भैया ये मेरे पे क्रोध कर रहा है, जो भी है हृदय में मेरे अंदर दैन्यता लाने के लिए भगवान ये सब लीला कर रहे हैं, ताकि वही भगवान मेरे अंदर है, वही प्रभु उसके लिए उसके अंदर है, क्यों उससे बैर करूं मैं। आज हमारी स्थिति ऐसी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में ग्रंथियां बन जाती है, बैर आ जाता है। लेकिन ये दृष्टि वृक्ष हमें, ये भाव हमें वृक्ष दे रहे हैं कि सबके अंदर भगवान है, सब कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की, तुमसे नहीं तेरे अंदर बैठे हुए खुदा से मोहब्बत है मुझे। ध्यान दीजिएगा, तुमसे नहीं तेरे अंदर बैठे हुए खुदा से मोहब्बत है मुझे, तू तो केवल एक जरिया है मेरी इबादत का। तू तो एक जरिया है, तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे हुए खुदा, यानी वह खुदा, वह भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है, और वह भगवान मेरी निंदा करे, मुझे दंड दे, जो भी करे, सब मेरे सिरोधार्य है। तेरे अंदर बैठे हुए खुदा से मुझे मोहब्बत है, बस तू तो एक जरिया है मेरी मोहब्बत का, मेरी इबादत का। तो काटे तापे क्रोध ना करही, सींचे तापे इसने जो कोई वापे पत्थर चलावे, ताही को फल दे। आप सिर पर धूप सहत है, आप सिर पर धूप सहत है, औरन को छाया सुख दे, औरन को छाया सुख दे।
सरिया। बालम केसरिया ठाकुर जी पधारो मारे देश, प्रभु मेरे हृदय में पधारो। पधारो ने मारे देश, पधारो ने मारे देश केसरिया। जिन वृक्ष को जड़ कहा जाता है, जो उनके अंदर ये सब गुण रहे हुए हैं, और हम ये मानव जन्म पा करके जो ये सब गुण हमारे अंदर ना आए, तो वृथा मानव दे मतलब ही क्या हुआ मानव जन्म पाने का। तो ये सब वैष्णवों के लक्षण हैं। वृक्षों से सीखो वैष्णवता क्या है। तो ये जो वैष्णवताओं के भाव, वैष्णवता के भाव जो वृक्ष ने सूरदास जी जो यह कीर्तन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, इस भाव के साथ आज की यह कथा के प्रथम दिन को समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो गुण बताएं ये बहुत जरूरी होंगे आने वाले 7-8 दिनों के लिए, है ना। तो खास इस कीर्तन को स्मरण कर रखते हुए आज की कथा को, सत्र को आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके बाद कुछ आवश्यक जो सूचनाएं होंगी वो सूचनाओं को हम सुनेंगे, शांति से बैठ के फिर भागवत जी के आरती के दर्शन करेंगे, और फिर जहां मनोरथ ठाकुर जी के मनोरथ के दर्शन के लिए हम चलेंगे। तो आज की कथा को यहीं पे विराम दें, उससे पहले आइए केवल 2 मिनट गोविंद गोविंद गाइए रे, प्रेम से तालियां बजाते हैं। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे,
लाल कृष्ण गाई हे। हा गिरधारी गिरधारी गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे हा गिरधारी गिरधारी गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए से भागवत भगवान पापियों को पाप ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान के मंगल के आरती पापियों को पास तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पास तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन आरती पापियों को पास तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला श्री श्याम यही घनश्याम यही श्री श्याम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भगवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती
परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन भरत कृपाण हस्त जे जन शरण आए अनुसरही ग्रहि सोपत श्री गोवर परम उदार चतुर कृष्णदास पाच सब सरही जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपाल एक रूप बा